પાંડેસરા ભેસ્તાન સિદ્ધાર્થનગર ખાતે ગલી નંબર 11 માં ઓડિશા સમાજ દ્વારા ભવ્ય ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તેમાં 15,000 થી 20,000 જેટલા ભાવિ ભક્તોએ ભંડારાનો લાભ લીધો હતો. પાંડેસરા સિદ્ધાર્થનગર ગલી નંબર 11 ખાતે શ્રી તીરનાથ મંડપ ગુજબ સંઘ દ્વારા ભવ્ય ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મંદિરની સાલગીરા કાર્તિક પૂર્ણિમાના છેલ્લા દિવસે અષ્ટપૈરી નામ યજ્ઞ કરવામાં આવે છે. કન્ટિન્યુ 8 પૈરી થાય છે. તેમાં શ્રી હરિ રામ શ્રી કૃષ્ણ શ્લોક બોલી ભજન કીર્તન કરવામાં આવે છે. તેમાં 8મા દિવસે ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. ભાગીરથ વાસુદેવ ખટવા ભેસ્તાન સુરત ભેસ્તાન સિદ્ધાર્થનગર ગલી નંબર 11 એ આપના શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કી પ્રોગ્રામ કર રહા હૈ. હર સાલ કાર્તિક પૂર્ણિમા આપના ઓરિસ્સા ભાષામાં કાર્તિક પૂર્ણિમા બોલતા હૈ, ઇસકો આપના ધર્મ મહિના બોલતા હૈ. ઓહી મહિના મેં હર સાલ કમ 30-35 સાલ હુઆ કરતા હૈ. હમ અભી 17 સાલ સે યે સબ કાર્ય યોગદાન કરકે કરતા હું. આ આપના સાથીઓ ભાઈઓ આપના ઓરિસ્સાવાસી સબ સહયોગ મેં યે હોતા હૈ. કભી 10,000 કભી 20,000 કભી 30,000 વો ઠિકાના નહીં રહેતા હૈ. કબ હર સાલ એસે હર સાલ કાર્તિક પૂર્ણિમા કો હોતા હૈ. આ આદમી દેખ કે ભંડાર હોતા હૈ. બાલ્ય કુમાર પ્રધાન. યે આપના કાર્તિક પૂર્ણિમા કા અવસર પર હમારા નામ યજ્ઞ હોતા હૈ. इसके लिए परसों हमारा नाम यज्ञ सम्पन्न हुआ. आज भंडारा चालू है, अन्न यज्ञ जिसे कहते हैं. भगवान राधाकृष्ण का पूजा है. हर कार्तिक महीना में ये पूजा हो रहा है ओडिशावासी के. ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है और धर्मग्रंथ के सार भी है. कितने दिन की पूजा होती है? पूजा ये पूर्णिमा का दिन अष्टप्रहर नाम यज्ञ है तो 24 कला का होता है और 24 घंटे का होता है. 72 घंटा ऐसा एक प्रहर के 3 घंटा के हिसाब से जितना यज्ञ होगा उसी हिसाब से होता है. ये तो कम से कम 8-10,000 के लोग भंडारा हो रहा है. एक महीने से उपवास करते हो, उसके बाद किस तरह से ये व्रत है ना, ये व्रत निरामिष के है, भगवान कृष्ण के है. जैसे कोई जगन्नाथ गोपाल जी का, इसके लिए वह सुबह भगवान के नाम मंत्र करके जो 24 घंटा करते हैं, एक दो बार खाते हैं लेकिन प्रसाद की तरफ से खाते हैं. ऐसा कोई आमिष नहीं होता है. ભેસ્તાન સિદ્ધાર્થનગર ખાતે શ્રી તીરનાથ મંડપ ગુજબ સંઘ દ્વારા છેલ્લા 25 વર્ષથી મંદિરની પૂજા અર્ચના અને ભંડારાનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવે છે. તેમાં ઉપસ્થિત ઓરિસ્સા સમાજના લોકો હર્ષ ઉલ્લાસ સાથે ભગવાનની પૂજા અર્ચના કરી ભંડારાનો લાભ લે છે. મેરા નામ શ્રીકાંત રાઉત હૈ ઓર યહાં પે આજ મંદિર કા સાલગીરા और कार्तिक पूर्णिमा का लास्ट है. इसके लिए यहाँ पे हर साल अष्ट प्रहरी नाम यज्ञ किया जाता है जो कंटिन्यूसली 8 प्रहर रहता है और 8ों प्रहर में दिन रात नाम श्री कृष्ण भगवान का नाम हरे राम हरे कृष्ण उपचार होता है. और यहाँ पे आज लास्ट दिन था, प्रहर का लास्ट दिन था. इसके लिए यहाँ पे हर साल यहाँ पे काफ़ी लोगों का भंडारा रहता है. यहाँ पे पब्लिक लगभग 25,000 पब्लिक यहाँ पे रहते हैं और सभी के लिए यहाँ पे भंडारा का इन लोगों ने आयोजन किया है. कारीगर वर्ग के लोग हैं पर इन लोगों ने इतना साहस किया इस बार के पूरा एरिया को ये लोग खिला सके, इतना इन लोगों ने भंडारा का आयोजन किया है. शाम को 5 बजे से चालू है भंडारा, अभी रात को 11-12 बजे तक चलेगा ये भंडारा. यहाँ पे मंदिर 25,000 से 30,000 पब्लिक आए हैं, आज श्रद्धालु आए हैं भंडारा में. और मंदिर का 25 साल पूरा हुआ, ये साल मिला के 25 साल पूरा हुआ. जी सर आपका नाम? मेरा नाम निरंजन लखन बेहरा. जी सर ये कौन सी जगह और क्या प्रोग्राम करने में आया? ये सिद्धार्थनगर भेस्तान सूरत, मतलब कि ये जो अपना जो कार्यक्रम चल रहा है ये अष्ट प्रहरी बोलते हैं, ये हर साल अपना होता है.
ये साल अपना जोरदार मतलब कि ये बनाया, ये सब भाई लोग को देख के कम से कम 25,000 आदमी के लिए हम भंडारा बनाया। और कल से अपना सब जो कार्यक्रम चालू था वो सब कल बंद कर दिया, मतलब कि खलास हो गया कल। फिर आज जो भंडारा के लिए आप ये करते, ये सब कॉमेडी लोग है। हमारा सिद्धार्थनगर में ऐसा अभी चीज चल रहा है कि ये 25,000 जो पब्लिक है, 25,000 पब्लिक हमारा साथ, मतलब कि ये इतना सहयोग करते हैं। इसके लिए हम जो भंडारा में आदमी हमारा भाई लोग है, ये अपना मतलब कि प्रेसिडेंट भागीरथी भाई, ये किशोर भाई लंका हमको इतना भी सपोर्ट करते हैं। ये प्रसन्न भाई है, हमारा जो मुखिया है संजय भाई कुछ बोलते तो हमको और गर्व लगेगा। ये संजय भाई हमको भले 1,00,000 रुपया 50,000 रुपया कभी भी ला के देते थे इधर, ये तुम करो भंडारा, जितना है हम बैठे हैं पीछे। ये ऐसा है, सब कार्य कर रहा चल रहा है। हमारे श्रीकांत राउत हम बीजेपी का बड़ा कार्यकर्ता है, वो ये हमको भी ये सपोर्ट देता है, उनका सपोर्ट में लेके हमको इतना सब जो कार्यकर्ता मतलब कि ये सक्सेस हुआ है उनके लिए, बस इतना हम बोल। जी आंटी, आपका नाम? मेरा नाम सविता बेन पत्र। जी आंटी, इधर क्या प्रोग्राम चल रहा है? हमारा इधर सिद्धार्थ नगर में चैतन्य ठाकुर का पूजा है और 25 साल हो गया हमारा पूजा सुरखुर से चालू है, कभी झंझट नहीं है। और भाई लोग हमको बुला रहे हैं, हमारा महिला मंडल जो है सब लोग है कि हम लोग को सहाय कर रहे हैं, और लेडीज को लेडीज हम लोग को देते लेते हैं। और सिद्धार्थ नगर में जो कुछ प्रोग्राम हो रहा है हम लोग सब मिलजुल कर रहे हैं, सब अच्छे से चल रहे हैं। 4 दिन हुआ चैतन्य ठाकुर का पूजा है, 4 दिन से हम लोग पूर्व का जो भाग्य है सब लोग कान में सुनते हैं, आँख में देखते हैं। हम जो 2,000 किलो से हम लोग आया है उड़ीसा छोड़ करके, अब तो इधर सब मिलते हैं हमको, भाई लोग भी हमको ज्यादा सहायता करते हैं, हम भी वो जो प्रोग्राम में सब सहायता मिलजुल के करते हैं। जी आंटी, जो ये भंडारा हुआ है कितने लोगों का भंडारा किया जा रहा है? हमारा इधर है तो 20-25 हजार अंदर हो रहा है कहते हैं प्रसाद। क्या क्या बनाया गया है भंडार में? हमारा चावल, सब्जी, खट्टा, जो कुछ पापड़ और नींबू सैलेड। कितने दिन की तैयारी है? तो तैयारी तो 2 दिन से हुआ है, तैयारी तो 2 दिन से हुआ है। ठाकुर का जो कार्यक्रम है 4 दिन से चालू है। मुकेश गुरव साथ अश्मिता पटेल, दिव्यांग न्यूज, सूरत।